तो आज हमारे पास आ रखी है यहाँ पे फायरबॉल की रेसिंग एडिशन की स्मार्ट वॉच जो लैम्बोर्गिनी कार के ऊपर नेम्ड है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है हुरेकैन, दूसरी हमारे पास है यहाँ पे एलिमेंटो और तीसरी हमारे पास है डियाब्लो। तीनों जो वॉचेस हैं वो काफी ज्यादा तगड़ी लग रही हैं और इस वॉच का जो डिजाइन है, जो स्ट्रक्चर है वो काफी डिफरेंट है। इसको केस एक्स वॉच के नाम से भी जो है ब्रांडेड किया जा रहा है। तो फटाफट से तीनों वॉच को खोलेंगे, दिखाता हूँ किस तरह का एक्सपीरियंस होने वाला है। बट उससे पहले आप सभी को इंदौरी भाई की राम राम। तो बॉक्स की जब बात करेंगे तो कुछ इस तरह के बॉक्स आपको नजर आने वाले, जहाँ पे टॉप पे जो है ब्रांडिंग कर रखी है, पर्टिकुलर हर वॉच के नाम डाल रखे हैं। साइड में आपको यहाँ पे ब्लेजर ट्रायल विद द टर्बोचार्ज स्टैक, साइड में आपको यहाँ पे लिख रखा है पल्स ऑफ रेसिंग, जितने भी हाइलाइट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे वॉच के। सारी चीजें जो है बॉक्स पे यहां पर दे रखी है और लुक एंड फील काफी डिफरेंट बना रही है। अब बॉक्स के अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस को लेकर बात करते हैं। जैसे ही बॉक्स ओपन करते हैं तो आपकी मेन वॉच आपको नजर आ जाएगी। डायल जो है साइड में रखा हुआ है, उसके साथ में जो केस है वो आपको अलग देखने को मिलता है और केस है वही आपको डिफरेंट फील होता है यहां पर। जैसे कि मैं बात करूं सबसे पहले यहां पर हुरेकैन को लेकर, तो इसका जो केस है वो आपको ब्लैक एंड व्हाइट देखने को मिलता है, काफी अलग, काफी प्रीमियम यहां पर फील होता है। वहीं अगर मैं बात करता हूं यहां पर एलिमेंटो को लेकर, तो वो काफी प्रीमियम है, लग्जरी है और स्टाइलिश लुक के साथ आपको देखने को मिलेगा। और सबसे प्यारा जो मुझे पसंद लग रहा है वो है डियाब्लो। ये जो है भाई क्या है, गजब का फील दे रहा है। ग्रीन एंड व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज कर रखा है ट्रांसपेरेंट लुक के साथ में, वो काफी ज्यादा जबरदस्त है। बाकी इसके अलावा सारी चीजें आपको बॉक्स में सिमिलर देखने को मिलती है। यहाँ पे मैनुअल है, जहाँ पे वारंटी कार्ड है और कुछ गिफ्ट कार्ड देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको हर वॉच के डब्बे में एक एक्स्ट्रा स्ट्रैप भी प्रोवाइड कर रखा है जिसको आप लगा सकते हैं और एज ए नॉर्मल वॉच भी इसको यूज कर पाएंगे। साथ में चार्जिंग केबल है और एक टूल प्रोवाइड कर रखा है जहाँ पे आप इसके स्क्रूज को टाइट करके इस केस को आप जो है वॉच के ऊपर अटैच करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आपको बॉक्स के पैकेजिंग में मिल जाती हैं। नाउ लेट्स कमिंग अप टू द डिजाइन लुक्स और इसके जो मेन डिटेलिंग्स हैं उस पे बातचीत कर लेते हैं। अब यहाँ पे तीनों वॉचेस को आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि अंदर का जो डायल है वो तो आपको सिमिलर मिलने वाला है, मतलब सेम टू सेम मिलने वाला है। बट यहाँ पे कलर्स का चेंज है, मतलब अगर आप यहाँ पर एलिमेंटो खरीद रहे हैं तो आपको गोल्डन कलर का डायल देखने को मिलता है, वहीं अगर आप डियाब्लो खरीद रहे हैं तो आपको यहाँ पे सिल्वर कलर का डायल देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर हुरेकैन खरीद रहे हैं तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का डायल देखने को मिलता है। तो डायल का जो डिजाइन है वो भी आपको यहाँ पर डिफरेंट देखने को मिलता है। बट जब इसको केस से अटैच करोगे तो यहाँ पर आपको रबर प्रोटेक्शन दे रखी है ताकि आपकी वॉच पे स्क्रैचेस ना आए, क्योंकि अगर आप इसको नॉर्मल वॉच यूज करना चाहते हैं, डेली वेयर में पहनना चाहते हैं, तो वो करने के लिए आप इसके जो केस है इसको रिमूव कर सकते हैं। तो उसको स्क्रैच रेजिस्टेंट बनाने के लिए इन्होंने एक डिफरेंट आपको सिलिकॉन का केस या कवर दे रखा है। तो जब भी आप इस पे ये ऊपर का केस लगाने जा रहे हैं तो आप उसको पहले कवर अप कर लें और कवर अप करने के बाद ही आप इस पे केस को पुट ऑन करें। और काफी ज्यादा इजी मतलब मैकेनिज्म है यहाँ पे, आपको मतलब कुछ बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको यहाँ पे चार स्क्रूज भी प्रोवाइड कर रखे हैं, टूल भी दे ही रखा है, तो बस आप टूल से इसको जो है इजीली यहाँ पे प्लेस ऑन कर सकते हैं। और उसके बाद जो फिर लुक निकल कर आता है वो काफी डिफरेंट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मेटेलिक, सॉलिड मेटेलिक फ्रेम आपको देखने को मिलती है, स्ट्रैप जो है वो काफी अच्छे फील देते हैं और सिलिकॉन के स्ट्रैप दे रखे हैं। और जिस तरह का रेसिंग कार का एक फील होता है, एक वाइब होता है, काफी सारे लोग हैं जो गेम करते हैं, रेसिंग गेम्स वगैरह खेलते हैं या रेसिंग कार के शौकीन होते हैं, उनको ये वॉचेस काफी ज्यादा अट्रैक्ट करने वाली, मतलब बहुत ज्यादा गजब का फील आपको ये वॉच देती है। अब यहाँ पे छोटे छोटे एलिमेंट्स पर अगर आप ध्यान देंगे तो मेरे हाथ में यहाँ पर बेसिकली अभी जो वॉच है वो हुरेकैन है और ये व्हाइट एंड ब्लैक कलर में आती है। साइड में आपको एक रोटेटिंग क्राउन दे रखा है जो प्रॉपर फंक्शन भी कर रहा है, साइड में आपको एक सिंगल बटन दे रखा है, पुश बटन दे रखा है, तो अंदर जो आपकी वॉच रखी है वो प्रॉपर तरीके से बाहर से भी इंटरेक्ट करती है, जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा केस लगा रखा है, एक आपको स्पीकर वेंट यहाँ पर लीव कर रखा है और डिस्प्ले में जो है आपको बेजल्स बिल्कुल नजर नहीं आने वाले हैं, एकदम टॉप डिस्प्ले आपको यहाँ पर जो है फील करते हुए नजर आएगा। वहीं अगर मैं बात करता हूँ डियाब्लो को लेकर, तो डियाब्लो का डिजाइन जो है सबसे ज्यादा सेक्सी लगा मुझे। इस वॉच को मैं अगर डेली वेयर में ही पहनूँ ना तो भाई लोग मुझसे पूछेंगे जरूर कि भाई कौन सी वॉच पहन रखी है, आई कैचिंग है, क्योंकि ये जो ग्रीन कलर का ट्रांसपेरेंट केस आपको देखने को मिलता है ना, ये कहीं ना कहीं लोगों की नजर में जरूर से आता है। और यहाँ पर जो डिजाइन स्ट्रक्चर है थोड़ा डिफरेंट है, काफी लोग मुझे बोलेंगे कि यहाँ पर रोटेटिंग क्राउन कैसे वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये सेंटर में डायल दे रखा है। अब चूंकि यहाँ पर जो अंदर का मैकेनिज्म अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो एक छोटा डायल दे रखा है और वो डायल जो है आपके मेन डायल से टकरा रहा है और ये प्रॉपर तरीके से रोटेट हो रहा है। ऊपर का जो पुश बटन आपको देखने को मिल जाएगा, नीचे का आपको एक पुश बटन देखने को मिल जाएगा और दोनों जो है प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं अगर आपने इसमें प्रॉपर तरीके से इसको फिटअप कर रखा है। तो सेम यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर डिजाइन देखने को मिलता है, बट जो डिफरेंट है, जो सबसे अलग आपको डिजाइन देखने को मिलती है वो है एलिमेंटो में। एलिमेंटो जो है ये और प्रीमियम और लग्जरी फील और वाइब देती है वॉच, क्योंकि अगर आप इसके डिजाइन को देखेंगे मैट फिनिश के साथ साथ जो इन्होंने यहाँ पे जो स्केट कट्स को यूज कर रखा है, जहाँ पे आपको हल्का सा ग्लॉसी टच देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से अब तक मैंने जितनी भी वॉचेस यूज कर रखी है, स्पेशली स्टेनलेस स्टील वाले बेल्ट में,
उसमें ये सबसे ज्यादा प्रीमियम दिख रही है, मतलब एक फील अलग है और डेफिनेटली आई कैचिंग है। अब ऐसा एक सवाल तो सबके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये डायल बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, बहुत ज्यादा हेवी नहीं है। डेफिनेटली है, और ये चीज मैं आपसे क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप इसको डेली वेयर के हिसाब से यूज नहीं कर सकते। डेली वेयर के हिसाब से अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो ब्रांड ने यहाँ पर आपको सेकेंडरी स्ट्रैप प्रोवाइड कर रखे हैं और आप इसको बिना केस के नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं। बट ये जो केस है ये आपके पास एक स्पेशल एलिमेंट है जिसको आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग या फिर अपने किसी फंक्शन या इवेंट के अकॉर्डिंग आप एड ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है आपको मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग वगैरह चीज़ें देखने को मिलती हैं और एलिमेंटों का जो फील मुझे पसंद लगा वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है और फ्लश्ड हो जाती है डिस्प्ले जो है यहाँ पर फ्लश नज़र आता है और फील काफ़ी अलग है। और प्रीमियमनेस की मैं बात करूँ ना तो ये जो गोल्ड एडिशन जो है पर्सनली मेरे पास यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील दे रहा है। चेन के साइज़ को लेकर बात करूँ तो आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसको लेकर आप बेफिक्र रहें। काफ़ी लोगों के मन में डाउट रहता है तो मैं वो चीज़ कहना चाहूँगा कि आप इसको ईजिली यहाँ से जो है चेंज कर पाएंगे, दिक्कत नहीं आने वाली है। तो तीनों ही वॉचेज़ जो है लुक एंड फील के मामले में काफ़ी अच्छी है, अमेजिंग वाइब देती है आपको। और जैसा कि आप जानते हैं जो कार लवर्स हैं वो डेफिनेटली इस वॉच को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जो लैम्बोर्गिनी की कार्स आती हैं उन्हीं के ऊपर इसको जो है नाम दिया गया। अब यहाँ पर मैं वॉच के इंटरनल चीज़ों को लेके बात करना चाहूँगा क्योंकि देखो वॉच आप एक पर्पज से खरीद रहे हैं और पर्पज जो है वो फुलफिल होना जरूरी है। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो आपको 1.95 इंच का देखने को मिलता है और एक IPS स्क्रीन है, बट IPS स्क्रीन होने के बावजूद भी जो कलर्स हैं जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी इंप्रेस करते हैं। रीज़न क्या है कि जो पिक्सल रिजोल्यूशन यूज़ कर रखे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। 320x380 पिक्सल रिजोल्यूशन का डिस्प्ले है जो कि आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी प्रोवाइड करता है। अब मेरे हिसाब से काफ़ी लोग बोलेंगे कि यार एमोलेड क्यों नहीं दिया, मुझे नहीं लगता कि आपको एमोलेड वाली चीज़ की रिक्वायरमेंट यहाँ पर लगेगी। जब आप वॉच को पर्सनली एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको वो चीज़ नोटिस हो जाएगी कि यार जो इसका IPS डिस्प्ले है वो काफ़ी बेहतर क्वालिटी का। नॉर्मल वॉचेस में भी IPS डिस्प्ले का यूज़ किया जाता है बट वो थोड़ी इतनी प्रीमियम नज़र नहीं आती, बट यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो डेफिनेटली आई कैचिंग है, कलरफुल देखने को मिलता है, ब्राइट इनफ है फॉर द आउटडोर सिनेरियोस। काफ़ी लोग कंप्लेंट रहती है कि बाहर भी हमारी वॉच दिख नहीं पा रही है, हमें ब्राइटनेस फुल करना पड़ रही है, तो यहाँ जब आप ब्राइटनेस फुल करोगे आपको वॉच जो है वो डेफिनेटली विजिबल होने वाली है। तो इन टर्म्स मेरा से जो इसका डिस्प्ले क्वालिटी है वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, बट डेफिनेटली अगर एमोलेड होता तो वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा और पसंद आता। अब बाकी चीज़ों को जैसे कवर अप करता हूँ मैं यहाँ पे, तो बैटरी परफॉर्मेंस जैसे बात आती है तो बैटरी परफॉर्मेंस वही 7 डेज के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप नॉर्मली यूज़ कर रहे हो। अगर आप इसको एज एन एवरेज परफॉर्मेंस के लिए बात करें तो बिल्ट इन कॉलिंग वाली फंक्शनैलिटी हो जाती है तो 2 दिन तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, नॉर्मली 3 से 4 दिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि इतनी वॉचेस मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर रखी हैं तो मैं कह सकता हूँ कि 3-4 दिन आपको कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस मिल जाती है। साथ ही सेंसर वगैरह आपको बेसिक सारे जो हैं वो आपको मिल जाएंगे इसमें और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रखे हैं। SPOT हो गया, HR हो गया, एक्सीलोमीटर सेंसर हो गया, सभी अवेलेबल यहाँ पर हैं। अब वाटर रेटिंग वगैरह को लेके बात करूंगा तो डेफिनेटली वाटर रेटिंग आपको सॉलिड मिलने वाली है, IP68 रेटेड है, तो अगर आप इसको स्विमिंग पूल वगैरह में लेके जा रहे हैं तो बेफिक्र होकर जा सकते हैं, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, काफी अच्छी क्वालिटी आपको यहाँ पर जो है वाटर रेटिंग में मिलने वाली है। सवाल उठ के आता है वॉच में देखो UI को लेकर, तो UI एज सच अगर आप देखेंगे तो आपको वही बेसिक UI देखने को मिलती है, बट थोड़ा सा ट्वीकडअप यहाँ पे कर दिया है। टॉप सर आपको नोटिफिकेशन की जगह आपको यहाँ पर जो है टॉगल्स बटन प्रोवाइड कर रखे हैं, जितने भी आपको चाहिए वो सब यहाँ पे अवेलेबल कर रखे हैं। बॉटम पे आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन दे दी है, राइट साइड से आपकी एक्टिविटीज, आपका स्लिप मॉनिटरिंग वगैरह, जो भी विजिट्स आपको ऐड करना है वो आप कर सकते हैं। अदर साइड पर आपको साइड बार देखने को मिल जाता है और वॉच फेस के लिए तो यहाँ पर क्राउन दे रखा है, इस तरीके से वो रोटेट करता है और आवाज़ भी अच्छी कर देता है, तो भाई फील काफ़ी अच्छा। टेक्टाइल जो फीडबैक है यहाँ पर रोटेटिंग क्राउन का वो काफ़ी अच्छा है, तो आप यहाँ पे वॉच फीस वगैरह चेंज करते हो, स्मूथ है, ऐसे आपको UI में कंप्लेन नहीं होंगे। बट सवाल जो है वो फीचर्स को लेकर आता है और फीचर्स के मामले में जो बेसिक फीचर्स आपको चाहिए वो सभी वॉच में मिल जाते हैं और वो इस वॉच में भी आपके लिए अवेलेबल कर रखे, बट मैं यहाँ पर हाईलाइट करूँगा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स को लेकर। सबसे पहले आपको NFC पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, तो NFC पेमेंट आप इस वॉच के थ्रू सकते हो, यानी कि ऑफलाइन आप पेमेंट वगैरह कर सकते हो। अब यहाँ पर जो करेंटली एप्लीकेशन सपोर्टेड है वो सिर्फ PayPal, तो PayPal पर अगर आपका अकाउंट है या कुछ है तो फिर आप यहाँ पर जो है पेमेंट वगैरह कर पाएंगे। बाकी जैसे अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट स्पोर्ट्स मोड है, मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड की ऑफरिंग दी जाती है, गेम्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, गेम्स जो हैं बेसिकली वो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं इसकी एप्लीकेशन में से, और साथ ही इसमें आपको मोशन गेमिंग वाली चीज़ देखने को मिल जाती है जो कि फायरबोल्ट की प्रीवियस वॉचेस में भी हम लोगों ने कवर अप कर रखी है, जहाँ पर आप वॉच को पहन के गेम्स वगैरह इंजॉय कर सकते हैं, TV से अपने फ़ोन को कनेक्ट करके आप वहाँ पर ये कुछ मोशन गेमिंग वगैरह कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा फील देते हैं, काफ़ी अच्छा एक टच वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जैसे बेसिक फीचर्स की बात करें तो कैलकुलेटर वगैरह जो काफ़ी लोग की रिक्वायरमेंट रहती है वो फीचर आपके लिए अवेलेबल है, म्यूजिक कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है, ट्रैक्स वगैरह फॉरवर्ड बैकवर्ड करना है वो आप कर पाएंगे, वेदर इन्फॉर्मेशन वगैरह है, आपका SPOT हो गया, आपका HR और इन हेल्थ परफॉर्मेंस को लेकर बात करता हूँ तो काफ़ी क्लोज टू क्लोज परफॉर्मेंस है। बट मैं हमेशा रिकमेंड ये करता हूँ कि वॉचेस जो है टेंटेटिव आईडी देने के लिए होती है, पर्सनली अगर आपको जानना है आपकी हेल्थ को रिलेटेड ज़्यादा तकलीफें हो रही तो फिर आप जो है मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट का ही यूज़ करें। बाकी चीज़ों को लेकर बात करूँ तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह देखने को मिल जाएगा, आप कितना हार्ट स्लिप के लाइट स्लिप के वो मिल जाएगा, AI वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट भी आपको देखने
को मिलेगा यहाँ पर। मसाजर वाली चीज़ भी उन्होंने प्रोवाइड कर रखी है। इसके अलावा आप यहाँ पर जो है इसके प्ले ऐप स्टोर में जाकर देखेंगे तो एल्टीट्यूड, ब्लड प्रेशर वगैरह जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर दे रखी हैं। बट मेन जो आपके कॉलिंग वाली फंक्शनैलिटी है वो तीनों ही वॉचेस में आपको देखने को मिलती है। और जो फंक्शनैलिटी है इसमें आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना पड़ेगा, और कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर कॉल वगैरह ईजिली कर सकते हैं। और जो क्वालिटी है वो कुछ इस तरह की निकल कर यहाँ पर आती है। तो गाइस अभी जो आवाज सुन रहे हैं वो वॉच के माइक्रोफोन से आ रहे हैं, कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस वॉच देती हैं जब भी आप इनको कॉलिंग वगैरह के टाइम पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इन ओवरऑल वे में अगर आप इस वॉच में बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे खास चीज़ें इसकी सिर्फ डिज़ाइन को लेकर ही है। केस एक्स वॉच का जो यहाँ पे कंसेप्ट लेकर आई है फायरबोल्ट, ये डिफरेंट कंसेप्ट है जहाँ पे आपको नॉर्मल वॉच तो मिल ही रही है बट उस नॉर्मल वॉच को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाते हैं जो डिफरेंट केसेस अवेलेबल हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे डियाब्लो का केस अलग है, यहाँ पर आपके हुरेकैन का केस अलग है, यहाँ पे आपका एलिमेंटो का केस अलग है। तो जो केस है आप एड ऑन कर सकते हो और वॉच को एक डिफरेंट फील और डिफरेंट लुक दे सकते हो। इस वजह से ये जो कंसेप्ट मेरे हिसाब से है ये काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है उन लोगों के लिए जिनको पर्सनली कार से बड़ा प्यार है। और अगर आप एक डेफिनेट कार लवर्स हैं तो काफ़ी सारी वॉचेस इनकी जो एडिशन में आई हैं वो आपको इम्प्रेस करेगी। आपको डिज़ाइन वाइज और कलर ऑप्शंस वगैरह भी काफ़ी सारे देखने को मिलने वाले हैं। अब जो बड़ा घेरा सवाल यहाँ पर उठ कर आता है वो है प्राइजिंग को लेकर। तो प्राइजिंग की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो आपको प्राइजिंग है वो तीनों ही वॉचेस की डिफरेंट देखने को मिलती है। एलिमेंटो की जो प्राइजिंग रखी है लॉन्च प्राइस वो रखी है 8,000 रुपीज़। वहीं आपको जो डियाब्लो है इसकी प्राइजिंग रखी है 7,000 रुपीज़। और आपकी यहाँ पर हुरेकैन की वॉच की जो प्राइसिंग रखी है वो रखी है 6,000 रुपीज़। तो 6, 7 और 8 यानी कि 6 से 8 हज़ार रुपये के बीच में आपको ये डिफरेंट मॉडल्स देखने को मिलते हैं। फ़र्क सिर्फ जो मेजर है वो सिर्फ केस को लेकर है। केस पे जो वर्क कर रखा है उसकी कॉस्टिंग पर्सनली आपसे ले रही है ब्रांड। बाकी अगर आप मेन वॉच को लेकर बात करते हैं तो वो एक बेसिक वॉच और नॉर्मल वॉचेज जो आपको 2-3 हज़ार रुपये के अराउंड मिल जाती हैं उसी तरह की वॉच यहाँ पर है। बट जो एड ऑन दिया है वो ही इस वॉच का पर्सनली लुक और फील बढ़ाता है। अब सवाल आपके मन में भी आ रहे होंगे काफ़ी सारे, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बट फिलहाल मेरे लिए इस वीडियो में यही था, सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने पुट ऑन कर दिए। अगर आपको वॉच पसंद आ रही है, इंटरेस्टिंग लगी तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप इसको चेकआउट कर लेना। बाकी बस ज्यादा प्यार देना भाई को, तो लाइक कर देना और नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिटन रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।